फक्कड़ और शक्ति कॉलोनी में हुई चोरी का फिजिकल थाना पुलिस ने किया खुलासा। भोपाल से चोरी करने शिवपुरी आता था चोर। शिवपुरी जिले के फिजिकल थाना क्षेत्र की फक्कड़ और शक्ति कॉलोनी में हुई लाखों रुपए की चोरी का सोमवार को पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी किया गया माल बरामद कर लिया है। पुलिस ने चोर के कब्जे से करीब 5 लाख रुपए कीमत का माल बरामद किया है, जबकि चोर ने एक सोने का हार बदौड़ी क्षेत्र के एक नाले में फेंकना बताया है, जिसके पुलिस तलाश कर रही है। भोपाल से चोरी करने शिवपुरी आता था चोर। फिजिकल थाना प्रभारी रजन चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि फक्कड़ और शक्ति कॉलोनी में हुई लाखों रुपए की चोरी करने वाले चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया चोर अंकित उर्फ फुंसी ओझा, उम्र 28 साल, निवासी कटरा मोहल्ला पुरानी शिवपुरी का रहने वाला है, जो पिछले 2 साल से भोपाल में रह रहा था और चोरी की वारदात को अंजाम देने भोपाल से शिवपुरी आता था। फक्कड़ और शक्ति कॉलोनी में हुई लाखों रुपए की चोरी की वारदात के बाद पुलिस ने जब बारीकी से जांच की तो आरोपी एक सीसीटीवी कैमरे में नजर आया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी किया गया माल बरामद कर लिया है। कहाँ कहाँ चोरी हुई थी, कितने ही चोरी थी? ये एक चोरी फक्कड़ कॉलोनी में हुई थी और दूसरी चोरी सिद्धेश्वर कॉलोनी, ये शक्ति कॉलोनी है ना, सिद्धेश्वर के पास वहाँ पर हुई थी। और लगभग दोनों चोरियाँ मिला के 5 या 6 लाख रुपए का इनका सामान था, तो उसमें से 5 लाख का बरामद कर लिया। कितने आरोपी थे? एक आरोपी था। ये एक ही आरोपी ने घटना को अंजाम? हाँ, एक ही आरोपी ने दिए। पूर्व में भी ये इस प्रकार की घटनाएं कर चुका है फिजिकल थाना क्षेत्र में। क्या नाम है मैम आरोपी? इसने कैसे क्या घटना कर दी? इसमें दोनों घटनाओं में इसका जो कार्य करने की प्रणाली वो ऐसी है कि गलियों में घूमता है, जिस भी घर में ताला खुला लगा हुआ मिलता है उस घर में ये थोड़ा देखने के बाद घुस जाता है। और अच्छा, इसमें की है? हाँ, इसमें एक चीज है ये, और अभी वर्तमान में भोपाल में रह रहा है। बस हो गया।